हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गोदरेज नुपुर हिना 100% प्योर हिना। हिना यानी मेहंदी। तो ये जो है प्योर हिना पाउडर है, जो कि गोदरेज कह रहा है कि ये 100% प्योर है फॉर हेयर। सो हेयर में कैसे यूज़ करना है इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फॉर हेयर सोक नुपुर हिना इन ल्यूक वार्म वाटर फॉर 2 to 3 आवर्स। यू में एड ऑयल कर्ड्स, और मतलब जो भी चीज़ आप उसको और एनहेंस करने के लिए मिलाना चाहते हैं वो। और फॉर हैंड एंड फीट्स, तो ये जो है हैंड और फीट्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो मेहंदी है वो प्योर मेहंदी पाउडर है। ये किसी तरह का आंवला और ये सब चीज़ें मिला के जो हेयर्स के लिए स्पेशल मेहंदी आती है ये वो नहीं, ये नॉर्मल हिना पाउडर जो होता है, मेहंदी पाउडर जो होता है वो है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई ये नहीं कि टेस्ट, इसमें देखिए टेस्ट के लिए लिखा है कि नहीं, नहीं इसमें किसी तरह के टेस्ट के लिए नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको प्री टेस्ट कर लें कुछ, कि हाँ कोई सेंसिटिविटी या कुछ इस तरह का आपके आपको नुकसान करेगी कि नहीं। तो ये क्योंकि हिना पाउडर है तो नुकसान नहीं करता किसी तरह का, और ये बालों को नरिशमेंट, कलर और मॉइस्चराइजर एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट काम करता है। अच्छा, इसमें क्या है, हिना पाउडर जो लोग लगाते हैं मेहंदी का, तो वो जो बहुत तरह की आती हैं उसमें काफ़ी चीज़ें मिली हुई होती हैं वो लगाते हैं, लेकिन जो जो वो कलर एनहेंस करते हैं, बट नरिशमेंट की बात करें तो वो जो प्योर हिना पाउडर है वो उससे जितना अच्छा मिलेगा वो, और वो केमिकल्स वाले जो हिना है उनसे नहीं मिलेगा। फिर एक और बात मैं कहना चाहूँगी, एलर्जी के लिए जो केमिकल्स मिले रहते हैं उनसे एलर्जी हो सकती है, लेकिन पाउडर जो ये हिना आती है जिसमें कुछ नहीं मिला है इससे कोई एलर्जी नहीं होती। हाँ, इन अगर आपको हिना से ही एलर्जी है, मान लीजिए आपको कोई और एलर्जी नहीं, कोई केमिकल से नहीं, आपको हिना की महक या इसके पिगमेंट से एलर्जी है, तब भले आपको कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपको इससे एलर्जी नहीं है तो इसमें कोई ऐसे केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, ये प्योर पाउडर है। आप इसको घोलिए, और कुछ नहीं मिलाना चाहते तो आप इसमें नींबू मिला लीजिए, जैसे नींबू थोड़ा सा डैंड्रफ वगैरह को रिमूव करता है, तो इस तरह कोई भी चीज़ मिला के इसको आप इसमें, हाँ एलोवेरा जेल, अगर एलोवेरा प्लांट है आपके पास लगा हुआ है तो उसका अंदर लीफ का जेल निकाल के उसके साथ इसको मिला के लगा सकते हैं। तो कई तरीके से मतलब जिस तरह के न्यूट्रिशन के आपके हेयर को ज़रूरत है, और आपको कलर के लिए लगाना है हाथ पे तो जैसे कलर के लिए लगाते हैं तो वैसे हाथ पे भी लगा सकते हैं। तो आजकल तो हाथ पे कोई इससे नहीं लगाता, आजकल तो हाथ पे तो इतना कोन हैंडी हो गया है कि लोग कोन ही हाथ के लिए लेते हैं, और ये वाली मेहंदी हाथ पे अब नहीं लगाते लोग, मुझे तो बहुत ही कम दिखते हैं जो हाथ पे लगाते हैं। ज़्यादातर तो वही कोन वाली मिली, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, 10 मिनट में वो रच गई, उसके बाद में और उतने दिन चलती भी नहीं है। जैसे ये जो हम लोग पहले पाउडर लगाते थे वो अगर लगा लिया तो वो धीरे 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 ऑरेंज होती थी, फिर येल्लो होती थी, फिर धीरे धीरे फेड करती थी। लेकिन अब जो ये कोन वाली आती है, ये लगाया और लगाने के बाद में आपका ऐसा लेयर की तरह पूरी छूट जाएगी, अंदर से पता नहीं कैसा अजीब सा निकलता है वो, जिस दिन लगाओ उस दिन बहुत खूबसूरत लगती है, 2-3 दिन बाद जो है वो ऐसी अजीब सी लगती है कि लगता है कि जल्दी से इसको किसी तरह छुड़ा दिया जाए तो सही रहे। तो इसको अगर आप हाथ में लगाना चाहें हाथ में भी लगा सकते हैं, बालों में लगाना चाहें बालों में भी लगा सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, गोदरेज है और गोदरेज का पूरा विश्वास है आपके साथ। और आप अगर ये मेहंदी पाउडर यूज़ करते हैं और किया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये तो 12 ग्राम का पैक है, इसके बड़े पैक भी आते हैं, मतलब 1 kg तक के पैक इसके आते हैं, मैंने देखे हैं 1 kg या 1/2 kg का था, काफ़ी बड़ा सा था वो, मैंने उठा के नहीं देखा बट काफ़ी बड़ा पैक था वो। तो मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए ला रही हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अपने लव्ड वन और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।